और चार शिकायतें रखी हैं जो अगली बार रिपोर्ट लेकर के आएंगे और उनका उन पर संज्ञान लेंगे। एक शिकायत जो घोटाले की थी कोऑपरेटिव बैंक में, तो वहाँ जो पैक्स का घोटाला था उसमें FIR के निर्देश दिए हैं और उसमें जांच की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ? उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा। और एक एक्शन बिजली बोर्ड के चार शीट के आदेश दिए हैं। ये दलबीर सिंह है, क्या मामला है? उनको यहाँ बुलाने के बावजूद भी यहाँ नहीं आए रूल 8 के अंदर। मंत्री जी, आपने जो पैक्स के मामले में जांच के आदेश दिए हैं, वो जांच कब तक, वो टाइम लिमिट तय की है? वैसे एक महीने में, 15 दिन में, कब तक जांच होगी? अभी जांच उनके FIR दर्ज के आदेश दे दिए, वो अगली मीटिंग में रिपोर्ट लेके आएंगे। तो जांच के आदेश दे दिए, जो पार्टी थी वो संतुष्ट हो गई है। उनको उन्होंने FIR के जांच करके और जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसमें फैसला लेंगे। आज एक घटनाक्रम सामने आया है, विधायक जी नाराज होकर चले गए, आप पीछे मामला तो पूरा बंद है, क्या था ये? क्या ऐसा कोई मामला नहीं था, वो दरअसल विधायक जी ने कोई काम जाना था, वो चले गए थे, लेकिन मेरे संज्ञान में कोई दूसरा मामला आया, फिर मैं उनको लेके आया। वो बोले मैंने कहा वैसी कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर मैं उनको ले आया, मैं चलो जरूरी है। सर, इसके अंदर एक वीडियो भी है कि इसके अंदर विधायक जी को कुर्सी न मिलने से एक छोटी कुर्सी पर बैठना पड़ा, जिस वजह से नाराज होके गई है। ऐसा कोई मामला नहीं था, कुर्सी पे ना मिलने वाला तो कोई मामला था नहीं। अमूमन कई बार ऐसा होता है, एक साइड DC साहब बैठ जाते, एक साइड SP साहब बैठ जाते, ऐसी कोई बात नहीं थी। विधायक जी ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि वो उनको कोई काम हो गया था और वो इसलिए नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, उनको कार्यकर्ताओं को गलतफहमी हो गई थी। सर, एक घंटे से लगभग यहाँ पे बैठे थे आपके इंतजार में, आपके आने के बाद ACC साहब, ACP साहब ने उनकी कुर्सी पे बैठ के, जिस वजह से उनको कुर्सी न मिली, पीछे से छोटी कुर्सी ले, उस वजह से बाहर जाने का कारण बताया। मैं आपको कह रहा हूँ ऐसा कोई मामला नहीं है। सर, वीडियो हमारे पास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वीडियो, उसमें वीडियो में विधायक जी आपको कुछ नहीं कह के गए। मंत्री जी, वो सिर्फ उठ के बाहर गए थे, और बाहर गए थे मैंने उनसे पूछा बाहर का फोन करके, जी मैं काम जा रहा हूँ, पिंडारा पहुंच गया, वरना आप आओ जरूरी है, क्योंकि मामला ऐसा हो गया था, उनका आना जरूरी था। मंत्री जी, लेकिन जो ग्रीवेंसी कमेटी के सदस्य हैं 6-7 जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर सार्वजनिक बात की है, विधायक जी का अपमान किया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, उनको गलतफहमी हो गई थी जी। मैं खुद जाके विधायक जी को लेके आया, आपने देखा कहाँ से लेके आए सर आप विधायक जी, कहाँ पे? मैं नजदीक में गए थे बस, मैं उनको वापस ले आया। मना मनाई होगी जी? मना मनाई वाला कोई मामला नहीं था, मना मनाई का था, कोई झगड़ा, कोई मामला नहीं था, कोई झगड़ा हो तो मना मनाई के प्रकार का। जो कॉमन मेन प्रोग्राम है, तो कितने बिंदुओं पर सहमति? उसमें 33 बिंदुओं पे हमारी सहमति बन चुकी है, और बाकी दिल्ली चुनाव के बाद फिर मीटिंग होगी, बाकी उन पे जल्द ही हम जो भी हमारे बिंदु हैं उन पे चर्चा करने का काम करेंगे। BPL को लेकर के पूरे जिले में दोबारा से आदेश दे दिए गए हैं, सर्वे दोबारा करवाया जाएगा। मंत्री जी, जो पैक्स वाला मामला है, एक गंभीर आरोप के साथ लगाया कि फर्जी तरीके से उनके चेक पे साइन करके कर्मचारियों ने खुद ही लोन लेते हैं, खुद ही चेक वितरित खाद बांटते हैं, बहुत पैक्स हरियाणा के अंदर, सहकारी बैंक हरियाणा के अंदर संख्या, तो क्या जांच करवाएंगे? बाकी वे इस तरह के मामले हरियाणा के अंदर आप इस तरह की कोई मेरे सामने और आएगा तो उसकी भी जांच कराएंगे। मेरे सामने एक मामला आया, उसकी जांच करवाने के आदेश दे दिए मैंने। मंत्री जी, उसमें उन्होंने एक कागज भी दिया है जिसमें कर्मचारियों ने खुद क्लियर बात को स्वीकार किया भी, हमारे से हेराफेरी हुई है, इसके बावजूद भी जांच की क्यों जरूरत पड़ी? जबकि वो नहीं, FIR दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं उनको, FIR दर्ज करने के तो आदेश दे दिए हैं ऑलरेडी। किसी भी FIR दर्ज करते हैं तो उसमें जाँच तो की जाएगी ना, उसमें वो दोषी पाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई है, अंदर करेंगे अगर दोषी पाएंगे तो। जो अपेक्स के मेंबर्स है वहाँ के, जो कमेटी है गांव की, क्या उनके खिलाफ भी कोई इस तरह की कार्रवाई की, क्या आदेश दिया आपने? मैंने आपको ये बताया, जो भी उसके अंदर दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, ठीक है। NRC के बारे में कुछ बताएं, NRC के बारे में मामला सबको, हमारे पार्टी जो हमारे सुप्रीमो भाई दुष्यंत चौटाला जी ने उनका समर्थन कर दिया, हम उनके साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।